कला शेरनी चिखा दे विच सड़िया, सड़ गई तकदीर पंजाबियां दी, बड़ा सोहना लिखिया। तां इह पंजाब दीआं गल्लां ने, इह उस राज दीआं गल्लां ने जिहड़े राज दे विच साडा सिक्का चलदा सी, जिहड़े राज दे विच साडे झंडे चलाए जांदे सी। तां उस राज दी गल करन वाला दीप सिद्धू अज साडे विच नहीं हैगा। साडे नाल मौजूद ने श्रोमणी अकाली दल अमृतसर तों अमान सिंह मान। दस दईए कि सरदार सिमर सिंह मान दे बेटे ने, चोणां चल रहियां ने अज, लास्ट दिन आ चोणां दा, इह प्रचार दा, तां असीं गल्लबात करांगे पंजाब दे तमाम मुद्दिआं ते। आखिर दीप सिद्धू दी सोच की सी, दीप सिद्धू कौण सी, इह गल्लां बातां करदे आं। लम्मा समां असीं विच रहे आं दीप सिद्धू दे नाल ते इन्हां योधिआं दे नाल, अमान सिंह मान दे नाल असीं लम्मा समां विच रहे आं। हमेशा असीं उन्हां लोकां दे नाल विचरदे आं जिहड़े लोक पंजाब दी गल करदे आ। मान साहब, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतिह। मान साहब, बड़ा वड्डा घाटा पै गया पंजाब नूं, खास करके शायद वह कोई अख नहीं होनी जिहड़ी ना रोई होवे उस दिन। दीप सिद्धू अज साडे विच नहीं हैगा ते पंजाब दी गल करन वाला योधा इक चला गया। हमेशा उंगलां उठदियां रहियां कि गदार आ इह, आर एस एस दा बंदा, एजेंसियां दा बंदा, अपने नाल तां रहा, तुहानूं वी पता, मैनूं वी पता, पर लोकां नूं नहीं पता इह गल दा, लोकां नूं वी दसणा जरूरी आ किहो जिहा बंदा सी। सरदीप सिंह नाल मेरा वाह जिहड़ा संघर्ष सी उस तों उपरंत ज़्यादा पिया सीगा, और जिथे उहनां नूं मिलण दा मौका मिलिया उह सर सिमरनजीत सिंह मान नूं मिलण आए सीगे, जिहदे विच उहनां ने जिस पद्धर दीआं गल्लां कीतीआं मन नूं मैनूं लगियां कि इन्हां ने अपने पंथ की सोच समझी है और ये अपने पंथ प्रति दर्द रखते हैगे हैं। इन्हां ने यह भी समझा हैगा कि जो सरकार है वो साढ़े उत्ते किवें जुल्म करदियां है, किवें साढ़े उत्ते जबर बना के साड़ी सोच नूं तब्दील करदियां है। वह धुंद नूं उठाउण च सरदीप सिंह ने बहुत वड्डा योगदान साढ़े कौम नूं दित्ता है कि जिथे असी अपने आप नू नफरत करते सीगे, सानू कहिंदे सी उग्रवादी हैं, सानू कहिंदे हैं कि देश द्रोही हैं। सरदीप सिंह ने वो सारे बॉर्डर पार करके जिहड़ी गल पंथ दी पकड़ दी कीती सी वो धुंद उठाई सी। जिथे सर सिमरनजीत सिंह मान लंबे समय तो ये तोर रहे सीगे, उत्थे दीप सिंह सिद्धू ने नौजवान पीढ़ी नू ये गल्लां सानू समझाण दा पूरा जिम्मेवारी भी लिती और सफल भी रहे। मैं समझना कि ये वो जिहड़ा गैप पिया होया सीगा साडियां सोचां ते आम नौजवान दे विच, इन्हां ने बहुत सरल तरीके नाल, बड़े हलीमी नाल, प्यार नाल इन्हां ने वो गैप नूं कवर कीता और सानू वो सिक्खी दी सोच नाल जोड़िया जिहड़ी सरबत ते भले दी सी, जिहड़ी निरभय वाली सी, निरवैर वाले सी, हरेक पक्षों उन्हां ने इस नूं पकड़ के अगे लैके आए सी। मान साहब, दीप सिद्धू हमेशा कहिंदे सी कि साडा इनकलाब उदे तों शुरू हो गया सी जिदे तों गुरु नानक देव जी ने पाधियां दी फट्टी दे एक ओंकार वाता सी, पर साडा इनकलाब हले जारी आ, कदों तक मिलेगा सानूं इनकलाब? इनकलाब सदा जारी रखेगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जिहड़ा एक ओंकार दा आदेश सी उहदा मतलब सी कि एक ओंकार हैगा जिहदे अधीन मनुखता एक पद्धर ते खड़ी है। सो जद आपां एक ओंकार दी गल करदे हां असीं एक मनुख दी भी गल करदे हैगे हां जिहड़ा उस ओंकार हेठ हुंदा हैगा। ये समय समय ते आपां नूं अपनी बराबरता मुड़ के देखनी पैनी है। किसे टाइम एक ओंकार दे नौ ते आपां नूं गरीबी दा मोर्चा लड़ना पैना हैगा, किसे टाइम आपां नूं अपने सेहत दा मोर्चा लड़ना पैना हैगा, किसी टाइम असीं अपने जिहड़े सूबे चलाउंदे हैं उहनां दी हुकूमतां दे बरखिलाफ लड़ना पैना है। सो ये इनकलाब सदा ही चलूगा, ये इनकलाब साडे गुरुआं ने सानूं इस ते तोरिया है। असीं कदी भी जद भी कोई जबर, जद भी कोई इनइक्वालिटी आऊगी उस समय सानूं इस नां ते इस सोच ते तुरना पऊगा। मान साहब, 1947 तो लैके 1984 तक संत जरनैल सिंह भिंडरां वालिआं दा जीवन रहा,
1984 तो लेकर 2022 तक दीप सिद्धू का जीवन रहा। कौम की गल संत करते रहे, कौम की गल दीप सिद्धू करता रहा, पर उंगलों दोनों के उपर ही उठिया ने। अज उन्होंने मुँह से एक करारी चपेट भी है जो उंगलों उठाते। उंगलां तुसी भुलो ना, जब तुसी उंगल उठाने हो एक उंगल सीधी थोड़े उत्ते भी आती हैगी है। सो उंगलां उठन ना उठन गल ए है कि तुसी की करते हो। तो दीप सिद्धू ने जो किया, जो सोच दीन खड़िया, जिहड़ा जबर दे बरखिलाफ हो तुरिया, जिहड़ा जेलां हंडालियां, जिहड़ा सोच तो नहीं टुटिया, जिहड़ा उत्थे जिहड़ा दिल्ली का कमिश्नर सी उन्हें धमकियां भी दित्तियां, उन्हों भी पार करके वो सोच दीन तुरदा रहा। तो अज साडे मैदान च जूझदा सी, कहिंदा सी कि पछाणो थोड़ी जिहड़ा इतिहास है, जो थोड़ा पिछोकड़ है, उहदे अधीन तुसी एक गुरु के सिंह बन के, सिंघणी बन के अपनी आजाद सोच नू कायम करो। वो जे कर गया, ये हुण मेरा तो ख्याल है जिहड़े उंगल भी चकदे सीगे वो आप उन्हां दी अखां च हंझू आए हुए हैं। मैं उन्हां नू यही कहूँगा कि आपां नू वो सोच जिहड़ी दीप नाल जोड़ के गया उहदे उत्ते पैरा देईए। जो दीप ने सारा कुछ सह लिया, जे उन्हें सरकारां दी तशद्दुद सह ली तो थोड़ी उंगल भी वह सहन जोगा सीगा, उन्हों कोई फर्क नहीं पिया, पर वो थोनू फर्क पा के जा सकता हैगा। तुसी भी ये लाइन ते तुरो। मान साहब अगे जे गल कर देना, किहड़ा नौजवान आ जिहड़ा कि हुण दीप सिद्धू दी सोच नूं अगे लैके जाएगा, जां है कोई उम्मीद भी इन्हां दे विचों कोई उठे सूरमा? एक किताब भी आई सी, इन्हां दे विचों कोई उठूगा सूरमा? कोई जब जीवत हैं हजारों, केड़ा नौजवान यह सानू मिलूगा अगे? मैं कहना थानू हजारा लखां च नौजवान मिलने हैगे हैं, क्योंकि ये सोच जिहड़ी पिछों तो साढ़े कोल आई है, ये सोच साढ़े गुरुआं दी है, ये सोच साढ़े हकां दी है, ये सोच साढ़े आज़ाद होण दी है, ये सोच दबदी नहीं हैगी। मैं कहना दीप सिद्धू वर्गे हजार होणगे, असी अज एक गवा लिया, पर जिहड़ा उन्हें स्टैंड लिता उहदे कदमां ते अज हजारां दे पद्धर ते तुरनगे। इस चीज़ की मैं थोनू बिल्कुल भरोसा दवाना ते गवाही दवाना। अज जिहड़ा यूथ उरे इकट्ठा होया है वो मेरे नाँ ते नहीं इकट्ठा होया, वो दीप ने जो किया है उहदे नाँ ते उरे आया है। सो ये तो हुण वधूगा काम। बहुत बहुत धन्यवाद करांगे असी मान साहब का। तो गल्लां बहुत ने, दीप दे नाल जुड़ियां हुई गल्लां बहुत ने, असी कदे ग्रेज नहीं करांगे वह गल्लां कहण तों। जिहड़े लोग हमेशा दीप सिद्धू नूं गदार कहिंदे रहे, तां उहनां दे मूँह ते अज करारी चपेट आ। इह जिहड़ा इकट्ठ आप मुहारे हुंदा, इह इकट्ठ दसदा कि दीप सिद्धू दे नाल किन्ने लोग सी, इह इकट्ठ दसदा कि दीप सिद्धू चीज़ की सीगा, इह इकट्ठ दसदा कि दीप सिद्धू बीजेपी दा सी जां इस पंजाब दा पुत सी। हमेशा ये गल्लां हुंदियां रहणियां ने, जिथे भी मिलणगे मान साहब जां जिथे भी कोई पंजाब दी गल करन वाला मिलेगा तां उत्थे दीप सिद्धू दी गल जरूर छेड़ांगे उहनां दे नाल। इसे तरह असी गल्लां बातां करदे रहांगे। जुड़े रहो केटीवी दे नाल, मेरे सहयोगी साथी अलजिंदर दे नाल। मैनूं हरजिंदर सिंह ढिल्लों नूं दिओ जी इजाजत। धन्नवाद।